हेलो बच्चों, सोनी फिजिक्स क्लासेस की लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको आईआईटी जेईई फिजिक्स की जो पूरा सिलेबस है उसकी सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध है, जिसमें हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। दूसरी यूनिट पे चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज, और तीसरी यूनिट भी कंटिन्यूस इसके पैरेलल चल रही है मैकेनिक्स। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो इसको देखते रहें, इसके आनंद लेते रहें, है ना? और जो भी बात आप लोगों को समझ में ना आए, है ना, उसको यहाँ जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है मेरा वाला 8290970384, है ना, इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दें तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी। और बाकी टेलीग्राम लिंक है, चैनल पे जाके देख लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम लिंक पर अपने आप को जोड़ लें, जिससे कि जो नोट्स हैं वो भी आपको मिलते रहे। ठीक है ना? तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास मैकेनिक्स की सेंटर ऑफ मास टॉपिक चल रहा है ना, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें, तो पहली प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम, मतलब और भी मैंने प्रॉब्लम पहले करा दी है, तो बाकी ये जो प्रॉब्लम है सिंपल सी है, कोई खतरनाक नहीं है, है ना? तो देखें पहली प्रॉब्लम, एक मिनट रुके। हाँ भाई, देखें ये कह रहा है, यहाँ एक सिलेंडर है, सिलेंडर ठीक है, जिसकी हाइट है h, ठीक और जिसकी रेडियस है h बराबर, यहाँ पे 20 दे रखा है, 20 मीटर, है ना, और इसकी रेडियस दे रखी है r बराबर 2 मीटर, ठीक है। और इस टैंक में, जो सिलेंड्रिकल टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक, ओके। और ये जो वाटर भरा हुआ है वो आधी हाइट तक यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर का मैटर है, इसकी डेंसिटी है ना, मैं इसमें सवाल में ढूंढ रहा हूँ, इसकी डेंसिटी मेरे को मिल नहीं रही है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या दे रखी है, डेंसिटी चलो, इसकी डेंसिटी दे रखी है 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये डेंसिटी दे रखी है। और वाटर की डेंसिटी अपन को पता है ऑलरेडी कि जो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसने पूछा है कि ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम की का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, है ना, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, ये इसने हमसे पूछा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं है, सिंपल सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को एक सिस्टम मान लेंगे और ये जो वाटर भरा हुआ है इसको एक सिस्टम मान लेंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग सेंटर ऑफ मास अपन बता देंगे। तो ये जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल बीचों बीच में होता है ना, ये तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास हो गया। और वाटर, अब वाटर भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो वाटर का भी सेंटर ऑफ मास इस वाटर के मिड में होगा कहीं, ठीक है ना। तो वाटर आधा भरा हुआ है, तो इसके मिड में वाटर का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सी एम ऑफ डब्ल्यू, है ना, और इसको नाम दे देता हूँ सी एम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ओके, समझे। अब ये जो भाई साहब हैं, ये यहाँ से h y 2 हाइट पर है ना, और ये जो भाई साहब हैं यहां से h y 4 है, ठीक।
अब मेरे पास दो सेंटर मास पता चल गए, एक तो सेंटर मास ये और एक सेंटर मास ये। अब यहाँ पे इस सेंटर मास पर जो सिलेंडर का सेंटर मास है, इस पर मास किसका होगा? सिलेंडर का, है ना। और इस सेंटर ऑफ मास पर जो वाटर का सेंटर ऑफ मास है, उस पर मास किसका होगा? वाटर, ठीक है ना। समझ गए। तो अब ये दोनों चीजें मैं यहां बना देता हूँ, देखो शो कर देता हूँ कि ये तो आपने रहा सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास और ये रहा वाटर का सेंटर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मास किसका है? सिलेंडर का है। यहाँ पे मास किसका है? वाटर का, है ना, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट। तो इस पॉइंट को, सॉरी इस पॉइंट को मैं यहाँ दिखाऊंगा, तो ये पॉइंट ये रहा, ये वाला पॉइंट, तो ये हाइट कितनी है? एच वाई फोर, और ये हाइट कितनी है? एच वाई, ठीक है, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। ओके, तो ये हाइट एच वाई टू और ये हाइट कितनी है? अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन इन दोनों सेंटर ऑफ मास का भी सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन कर लेते हैं। तो देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन, जैसे मैं वाई मानू, तो वाई सी एम बराबर एम डब्लू, और ये भाई साहब जो हैं इसके कोऑर्डिनेट, प्लस एम सी, और ये भाई साहब जो हैं इसके कोऑर्डिनेट, अपॉन एम डब्ल्यू प्लस, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब एम डब्ल्यू और एम सी की वैल्यू पुट कर दो। तो एम डब्ल्यू की वैल्यू देखें, तो यहाँ पे एम डब्ल्यू की वैल्यू देखो, एम डब्ल्यू की वैल्यू होगी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू, अब यहाँ पे वॉल्यूम आएगा क्योंकि ये वाटर कहाँ पे है? वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये हाफ वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का, हाफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बाई टू, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये 1000 इंटू पाई, आर का मान 2, एच का मान 20 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया कितना हो गया? 240, है ना, 40 40 हो गया ना, ठीक। तो 40,000 किलोग्राम, क्या ये एमडब्ल्यू आ गया। ऐसी एमसी, अब एमसी देखो, यहाँ पे एमसी में देखो थोड़ा डायमेंशन को ध्यान दो। सिलेंडर खोखला है, तो खोखला है तो मैंने तुमसे कई बार कह रखा है कि जब मास की बात आती है तो मास कहाँ होता है? जहाँ मैटर होता है। तो सिलेंडर जब खोखला है तो अंदर तो मैटर है नहीं, तो वॉल्यूम में मैटर है नहीं, मैटर कहाँ होगा? इस सरफेस पर, कहाँ होगा? इस सरफेस पर, ठीक है ना। तो इस सरफेस पर मैटर है और इस सरफेस पर, मतलब ये जो कर्व सरफेस है इस पर मैटर है, तो इसमें मैटर है तो मास भी यही होगा। इसलिए इसने जो डेंसिटी दी है वो पर मीटर स्क्वायर दी है, मतलब यहाँ जो क्या कहते हैं मैटर है वो एरिया पर है। किस पर है? एरिया पर, मतलब यहाँ यहाँ मैटर रखे हुए, यहाँ यहाँ मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ एरिया एरिया पर मैटर है, इसलिए इसने जो डेंसिटी दी है पर यूनिट मीटर स्क्वायर, या पर यूनिट एरिया दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला, वो लगने वाला रो ऑफ सी इंटू, अब ये एरिया देखना अपन, तो ये एरिया होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये हो गया 10 इंटू 2 पाई इंटू 2 इंटू 20, ठीक है, 40, है ना। ये कितना हो गया? 8, 800 पाई, ये तो इतना आ गया और ये इतना आ गया। यहाँ पे पुट करो, एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू पता है, एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई, है ना, ये एक्सीएम लिख देता हूँ मैं। तो एक्सीएम, एक्स वन की वैल्यू क्या हो गई? एच वाई फोर, है ना, और ये एच वाई टू, पुट करो और पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल था, इतना खतरनाक नहीं था, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुई कि इसमें डेंसिटी जो थी वो अलग अलग तरह से इन्होंने दी थी। तो बच्चा क्या गलती करता है, अपन बच्चा समझता है कि यार मास को तो हमेशा जब भी डिटरमाइन करते हैं तो वॉल्यूम से डिटरमाइन करते हैं ना, तो वॉल्यूम से डिटरमाइन जरूरी नहीं है करें, ध्यान रख, है ना, कोई जरूरी नहीं है वॉल्यूम से डिटरमाइन हो, मास एरिया से भी डिटरमाइन होता है, ठीक है। वहां पे ऐसा माना जाता है कि अपन जो थिकनेस है उसको 0 मानते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सवाल देखें, एक ये सिलेंडर है ना, अब की बार में डायग्राम इधर बनाऊंगा, इधर बनाने की आदत डालता हूँ डायग्राम बना, क्योंकि ये जगह बेकार जाती है। एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस ए है,
जिसकी हाइट भी ए है, होलो सिलेंडर अंदर कुछ भी नहीं है, और इसके ऊपर एक होलो कॉन रखा हुआ। क्या रखा हुआ? होलो कॉन, ठीक है। इसकी रेडियस ए ही हो जाएगी और ये जो हाइट है ये भी इसने ए दी, ठीक है, ये हमको दिया हुआ। अब ये कह रहा है कि यदि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, दोनों का सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ पर हो, पॉइंट ओ पर हो, तो इसकी डेंसिटी रो ऑफ कॉन, ना रो ऑफ कॉन लिख देता हूं मैं इसको, और रो ऑफ सिलेंडर है टी वाई लिख देता हूं। तो इन दोनों की जो डेंसिटी है उनका रेशो डिटरमाइन कीजिए, इन दोनों की डेंसिटी का रेशो अपन को डिटरमाइन करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो फिगर जरूर मेरे टेढ़े बनते हैं, हमेशा शुरू से ही मेरी आदत रही है, पता नहीं क्यों सीधा फिगर बनता ही नहीं। तो रो ऑफ कॉन और रो ऑफ क्या कहते हैं सिलेंडर, ये अपन को डिटरमाइन करना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये जो होलो सिलेंडर है इसका सेंटर ऑफ मास हमको पता होता है कि कहीं यहाँ होता है, और ये जो सॉरी होलो कॉन का सेंटर ऑफ मास है और होलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास ये होता है। ये जो हाइट होती है हमेशा ए बाई टू होती है, ये तो पता है। होलो कॉन का तुम याद रखोगे कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट इसका ए बाई थ्री, बेस से ए बाई थ्री डिस्टेंस। होलो कॉन का सेंटर ऑफ मास बेस से कहाँ होता है? ए बाई थ्री डिस्टेंस, ठीक है। ओके, समझ गए। अब ये जो मास होगा सेंटर ऑफ मास पर पता है क्या होगा, तो इस फिगर को मैं दोबारा बनाता हूँ कि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या है ए बाई थ्री है, और ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पे ए बाई टू है, ठीक है, और देन ये अगला सेंटर ऑफ मास। ओके, अब इन दोनों सेंटर ऑफ मासों का सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला कि भाई सब वाई के रूप में लिखता हूँ इसको, तो वाई सी एम बराबर एम किसका कौन का है ना इंटू ए वाई थ्री, ठीक है ना। किसके रेस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ? ओ के रेस्पेक्ट, ओ के रेस्पेक्ट, ठीक है ना। और क्या कहते हैं दूसरा सेंटर ऑफ मास जो है वो माइनस ए वाई टू, नीचे है ना तो माइनस में आ जाएगा। ओ के रेस्पेक्ट में काम करो तो ओ के रेस्पेक्ट में तो ए वाई थ्री हो गया, नीचे वाला माइनस ए वाई टू हो जाएगा, और मास ऑफ सिलेंडर अपॉन मास ऑफ कॉन प्लस मास ऑफ, ठीक है। अब ओ के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हो तो ओ के रेस्पेक्ट में काम करो, ऊपर ही सेंटर ऑफ मास है दोनों का, तो ये तो वाई सी एम जीरो होना भाई। ओ के रेस्पेक्ट में इसी का वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना, और यही क्योंकि यहीं पे सेंटर ऑफ मास बोला है क्वेश्चन ने, तो वाई सी एम बराबर जीरो। तो एम सी ओ ए वाई थ्री माइनस ए वाई टू एम सी, ठीक है। ओके, तो एम सी ओ अपॉन बाद में जान दो, एम सी ओ बाई थ्री बराबर एम सी वाई अपॉन। अब एम सी और एम सी वाई की वैल्यू पुट कर दो इन फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी फॉर्म में ये हो जाएगा रो सी ओ इनटू। अब कौन का एरिया, कौन का एरिया ध्यान करो, देखो क्या होता है पाई है ना, और रेडियस, रेडियस ए है अपनी वहां पे, और एल है ना, एल क्या होती है एल ये वाली, ठीक है, बराबर एम सी वाई है ना। तो एम सी वाई रो, अच्छा वाई थ्री और आएगा यहाँ, रो ऑफ सिलेंडर इनटू, अब ये वाला एरिया 2 पाई ए एच, एच क्या है ए, 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ओके, समझ गए। तो पाई से तो पाई की नमस्ते, बाकी ए से ए की नमस्ते, तो रो सी ओ अपॉन रो सी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, थ्री तो इधर चला जाएगा, 2 से 2 की नमस्ते करा दो चलो है ना, थ्री इधर आ जाएगा, तो थ्री ए अपॉन थ्री ए अपॉन, ठीक है। अब एल की वैल्यू वहां से पुट कर दो, तो ये हाइट क्या है ए, ये हाइट ये क्या है ए, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू है, रूट, ठीक है। तो एल की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री अपॉन रूट। ओके, समझ गए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा मैं मच मच नहीं करवा रहा तुमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुना, ज्यादातर जो जैम में क्वेश्चन आते हैं वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के ही आते हैं, है ना। कटिंग वाला मैंने करा दिया था उनको,
दो एक साथ दे दे तो मैंने करा दिया है, दो बार कटिंग कर दे तो भी तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जल्दी से, एक क्वेश्चन और मैं कटिंग वाला तुमको करा देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, या नहीं बनाएंगे डायग्राम ही बनाएंगे। एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, इसकी रेडियस रेडियस कैपिटल आर है, मास इसका गिवन नहीं है, पर ये कह रहा है कि मास डेंसिटी जो है इसकी यूनिफॉर्म, मास डेंसिटी। ठीक, कटिंग वाला क्वेश्चन देगा तुमको, ज्यादा मचमच नहीं करवाएगा। ये कह रहा है कि एक यहाँ से सर्कुलर डिस्क रिमूव कर दी इस तरह, जिसकी रेडियस आर बाई टू है, और एक सर्कुलर डिस्क यहाँ से रिमूव कर दी जिसकी रेडियस भी आर बाई इस तरह। तो जो बच गया महाराज ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है ना, तो इसका जो सेंट्रल मास है वो डिटरमाइन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट का सेंट्रल मास ज्ञात कीजिए। मैंने तुमको बताया था कि रेजिड्यू पार्ट का जो सेंट्रल मास होता है वो किस तरह लिखा जाता है ना। तो M1 किसका M1, टोटल का, तो M ही लिख दूं इसको मैं, है ना। तो टोटल का M इंटू उसके सेंट्रल मास का कोऑर्डिनेट माइनस जो काटा है M1, मान लो जैसे ये काटा है M1, और इसके सेंट्रल मास का कोऑर्डिनेट माइनस M2, और इसके सेंट्रल मास का कोऑर्डिनेट अपॉन एम माइनस M1 माइनस। ठीक है ना, ये समझ गए। ओके, तो बस, और इसको एरिया के रूप में भी लिख रखा है अपन ने, तो MCM बराबर AX माइनस A1X1 माइनस A2X2 अपॉन A माइनस A1 माइनस। ठीक, एरिया के रूप में से डेंसिटी तो सबकी सेम है ना भाई, ये जो काटी है ये इसी में से तो काटी है, ये जो काटी है वो इसी में से तो काटी है, तो इसकी डेंसिटी इधर है तो इसकी भी रो है, इसकी भी रो है, सबकी रो है, तो डेंसिटी ग्रुप में लिख के और बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ मास तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। तो एम को क्या लिखोगे, रो इंटू ए, इसको क्या लिखोगे, रो इंटू A1, इसको क्या लिखोगे, रो इंटू A2। ठीक है, ठीक है ना, ये देन पुट, तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर है ना। अब ये सेंट्रल मास तो यही था पूरी का, पूरी का सेंट्रल मास यही था, तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो इसी के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हो, और पूरे का सेंट्रल मास यही था, यही था, ठीक है ना, है नहीं था। ओके, माइनस A1, A1 उसका एरिया पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, और ये सेंट्रल मास कितनी दूरी पर है, आर बाई टू दूरी पर है ना, आर बाई टू माइनस पाई आर बाई टू का स्क्वायर, और ये सेंट्रल मास माइनस आर बाई टू का अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर माइनस पाई आर बाई टू का होल। ठीक है, तो पाई से तो पाई की नमस्ते करो, आर स्क्वायर माइनस, देखो ये तो कट जाएगा शायद, ये वाली टर्म तो गई, तो आर स्क्वायर अपॉन ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 2, आर स्क्वायर बाई फोर, आर स्क्वायर बाई फोर, तो आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये 1 बाई 2, ठीक है, कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ हो गई, ए पाई आर स्क्वायर एक्स का मान 0, A1 पाई आर बाई टू स्क्वायर, ठीक है, ये है ना इसका एरिया पाई आर बाई टू स्क्वायर। और आर बाई टू पाई आर बाई टू स्क्वायर आर बाई टू, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये बचा यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो आंसर 2 आ रहा है, वाट, 2 वाट। अच्छा, ये मैंने गड़बड़ कर दी ना, आंसर 2 कैसे आएगा, ये 0 है ना यहाँ पे, तो 0 का भी तो गुणा है, तो टोटल 0 आएगा, एक्स सी एम तो 0 आ गया प्यारे।
एक्सियम तो जीरो, मतलब सेंटर मास यही है, एक्सियम से पता चल रहा है। वाई सी एम और निकालो फिर इसका, है ना, ठीक है, वाई सी एम भी जीरो आना, इसका मतलब सेंटर मास अभी भी इसका यही रहेगा। एक्सियम जीरो, वाई सी एम निकालो वो भी जीरो आना, क्यों, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो वाई सी एम भी जीरो आना, वाई सी एम भी जीरो, एक्सियम जीरो, मतलब सेंटर मास इसका रेजिड्यू पार्ट का भी यही है, वो कहीं नहीं गया। ठीक है, ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर मास का एक और, ये तो पोजीशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एक पोजीशन वाला क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना, एक अच्छा वाला क्वेश्चन जो पोजीशन पर ही डिपेंड है। हाँ भाई देखो, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टल मोशन आती है ना सबको, प्रोजेक्टल प्रोजेक्ट किया गया यू स्पीड से और एल्फा एंगल, ठीक है, एक बॉम्ब था, बॉम्ब माना, तो बॉम्ब को यू स्पीड से और एल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, एल्फा का मान जैसे बोल रहे हैं कि 30 डिग्री, 30 नहीं 60 ले लो ना, 60 डिग्री, और यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ ले लो, कोई बात। अब ये बॉम्ब गया 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 इस पाथ पर, देन यहाँ पे आया हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि यहाँ जो स्पीड बचती है इसकी वो क्या बचती है, यू कॉस जो भी है यहाँ पे एल्फा, तो यहाँ इसकी जो स्पीड बचने वाली है वो बचने वाली है 10 और कॉस 60, है ना, तो कॉस 60 हाफ हो जाएगा, तो ये 5 बचेगी, इसलिए मैं थोड़ा डाटा ऐसा। ठीक है, अब जैसे ही ये बम यहाँ पहुंचा तो ये बम क्या होता है, दो टुकड़ों में खुद ही टूट जाता है, कोई नहीं तोड़ता, खुद ही टूट जाता, ठीक है, और एक टुकड़ा यहीं आके गिर जाता है, ऐसे बोल दें, यहाँ आके गिर जाता है, एक टुकड़ा यहाँ आके गिर जाता है, तो दूसरा टुकड़ा कहाँ जाके गिरेगा, ये कुछ दूसरा टुकड़ा कहाँ जाके, ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, एक यहाँ से बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया गया इतने एंगल पर इतनी स्पीड से, डॉट डॉट, बात खत्म, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों टुकड़े सेम मास के होते हैं, मतलब इसका मास यदि एम है तो ये टुकड़ा एम बाई टू का हो जाता है और ये भी एम बाई टू का हो जाता है, एक टुकड़ा नीचे टपक जाता है तो दूसरा टुकड़ा कहाँ जाके गिरेगा, मतलब कहाँ से, ओ से, ओ से वो कितनी दूरी पर जाके गिरने वाला, ऐसे पूछ लिया मैंने, वो पूछ सकता है कि एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े की दूरी क्या है, डॉट 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 कुछ भी, ठीक है, अब इसको मैं सेंटर ऑफ मास ही सल्टाऊंगा, तो कैसे सल्टाऊंगा, बोले वाह हाँ, सेंटर ऑफ मास की एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि यदि ऑब्जेक्ट पर या सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, है ना, उसको डिस्टर्ब करने वाला फोर्स कोई नहीं हो, सिस्टम को जैसा चल रहा है वैसा है ना, जैसा चल रहा है या जैसा है वो वैसा है, मतलब स्टेशनरी है तो वह स्टेशनरी है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, या उसकी वेलोसिटी एक निश्चित मान से चेंज हो रही है तो चेंज हो रही है, उसको फिर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे, तो जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब जैसा है वो वैसा ही है ना, तो उसके सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब कोई बॉम्ब है वो चुपचाप पड़ा है और अचानक टप फट जाए, टप फट जाए, तो पड़ा था फट गया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी वहीं पड़ा रहेगा, क्यों, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, जब फटा नहीं था तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, अब जब फट गया तो अपने आप ही फटा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी भी जीरो,
एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, जैसी है वो वैसी रहे, है ना। जिस तरह की स्थिर था बम, चुपचाप बैठा था, स्टेशनरी था बम, देन उसकी वेलोसिटी जीरो थी, बम फट गया, उसके बाद भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास वहीं पड़ा रहेगा, टुकड़े कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, यदि कोई बम भाग रहा है ना, इधर भाग रहा है किसी वेलोसिटी से और रास्ते में फट गया, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, अपने आप फट गया, देन उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर ही रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास इधर ही भागता रहेगा, टुकड़े चाहे कहीं भी जाए, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि जब ये बम इधर चल रहा था तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके साथ ही चल रहा था। ठीक है, यहाँ तक जो एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा, वो ग्रेविटेशन लग रहा, वो अपना काम कर रहा ऑलरेडी, है ना, उसके अलावा कोई नहीं लग रहा, तो उसका सेंटर ऑफ मास इसी पाथ पर चलता रहेगा। चाहे बम फटे चाहे ना फटे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी पाथ पर चलता रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास तो यहां के पड़ेगा, किसका, बॉम्ब का, किसका, बॉम्ब का, बॉम्ब मतलब दोनों टुकड़ों का, अरे बॉम्ब बोलो चाहे दोनों टुकड़े बोलो यार, तो सेंटर ऑफ मास, सॉरी, यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, डिस्टर्ब करने वाला फोर्स नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जैसा है वैसा रहेगा, जैसा है वैसा रहने का मतलब कि स्टेशनरी था तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, देन भी जीरो ही रहेगी, वो चुपचाप बैठ रहेगा, और यदि भाग रहा है सिस्टम और उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और सिस्टम के साथ टूट गया, कुछ भी हो गया, खुद ही टूट गया, खुद कुछ भी हो गया, तो सेंटर ऑफ मास जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ जाता रहेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह जा रहा था इधर ही जाता रहेगा, खुद ही फटा था वो, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ के ड्रॉप हो, ठीक है ना, जब यहाँ ड्रॉप होंगे तो ये यहाँ के ड्रॉप, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज बोथ ऑब्जेक्ट फाइनली इज हियर। ठीक है ना, एंड खत्म, अब तो खत्म हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता होती है r बाई टू होती है, ये डिस्टेंस r होती है, और ये तो मुझको पता करनी है, ये मुझको पता करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाऊं मैं, xcm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस xcm, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना r, m1 m by 2 कोऑर्डिनेट कितना r by 2 प्लस m2 m by 2 कोऑर्डिनेट पता नहीं अपॉन, ठीक है, mr बराबर mr by 4 प्लस mx by 2, इधर उधर कर लें तो 3mr by 4 बराबर mx by 2, m से m कट गया तो 3r by 2, ठीक है, x का मान आएगा 3r by 2, और r की वैल्यू जो होती है जिसको रेंज कहते हैं u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन, तो थीटा की वैल्यू 60 है, u स्क्वायर कॉमन 10 साइन 120 अपॉन 10 कर दें तो 10 साइन, ठीक है, cos 30, बोलो cos 30, cos 30 का मान यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3 by 2 into 10 root, ये हो जाएगा 10 30 5 15 15 by 2, कैसा आंसर आ जाएगा, इतने मीटर दूरी पर जाके टपक जाएगा से, सॉरी वो जो टुकड़ा है इतनी दूरी पर, ओ से विद रेस्पेक्ट टू वो काम किया मैं, ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन था, मैंने करा दिया, तो इस तरह भी थोड़ा सा सोचें, इस तरह भी सोच सकते हैं, आसान, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और कराऊंगा सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन, हाँ भाई एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन बार बार देखा गया कई एग्जाम्स,
ये डायग्राम यहाँ नहीं बनाऊंगा मैं, आदत तो मुझे उधर की डालनी है। टेढ़ा हो जाता है पता नहीं क्यों। एक ब्लॉक है जिसका मास एम है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, यहाँ पे एक खांचा है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और एक यहाँ पे सिलेंडर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, मास स्मॉल है। ठीक, ये कह रहा है कि ये भाई साहब जो है सिलेंडर इस पॉइंट पर आ जाते हैं, आ जाते नहीं आ रहे हैं, मतलब रुकते नहीं है इस पॉइंट पर, आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सिलेंडर भाई साहब इस पॉइंट पर हैं, पॉइंट पर हैं ना, तब इस ब्लॉक की स्पीड डिटरमाइन कीजिए, समझे। और यहां पे जो मैंने बात अभी नहीं बोली है वो सुन लो ध्यान से, पहले क्वेश्चन सुन लो दोबारा। ये भाई सब यहां से यहां आ रहे हैं यूं ट्र, और यहां जैसे ही आते हैं आगे जाएंगे तो यहां जैसे ही आते हैं उस टाइम पे इसकी स्पीड ज्ञात कीजिए इस ब्लॉक की, ये डिटरमाइन करना अपन। ठीक है, अब यहां में जो मैंने बात नहीं बोली वो सुन लो कि यहां से भाई साहब स्लिप करके आते हैं, फिसलते हो, नॉट लुढ़कते हो, रोल डाउन नहीं होते हैं, स्लिप करते हैं। क्वेश्चन में ये बात थोड़ी सी नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे स्लिप करने वाले हैं, रोल डाउन नहीं करते, लुढ़क नहीं है, लुढ़कते तो क्या होता बता दो। ठीक है, तो अब बताओ कि इसकी स्पीड क्या होगी व्हेन दिस सिलेंडर भाई साहब इज हियर। ठीक है, ये कुछ ओके। अब इसको कैसे करना सुनो ध्यान से बिल्कुल, कि एक ही यहां पे एक आदमी बैठाओ पहले तो, और इसको नाम दो, बोले तू तो ग्राउंड है, स्थिर बैठा है ग्राउंड, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी स्पीड यहां पे मान लो वी और यहां पे मान लो कैपिटल, स्पीड बोला मैंने ठीक है, इसलिए मैंने एंटी डायरेक्शन दिखा दी, बाकी तुम वेलोसिटी बोल दो और डायरेक्शन मत दिखाओ। क्या बोला मैं, वेलोसिटी बोल दो डायरेक्शन मत दिखाओ, तब भी सीखो इन बातों को। स्पीड बोल दी तुम्हें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन इधर, तो इधर ये तो इधर ही से रखना है ना। वेलोसिटी बोल दी तो सिर्फ बस लिख दो इसकी वेलोसिटी तो वी है, इसकी वेलोसिटी स्मॉल वी, खत्म, डायरेक्शन मत देखो, अपने आप समझो, अपने आप आ जाएगा जो आना होगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड वाला आदमी जब देखेगा तो ये वाले भाई साहब वी स्पीड से इधर जाते दिखाई देंगे और ये वाले भाई साहब वी स्पीड से इधर जाते थे, ग्राउंड वाला आदमी जब देख। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है इसलिए मैं बड़े आराम से इसको समझा रहा हूं। हमेशा ऐसे सवालों में जब भी वेलोसिटी की बात आए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही करो, ठीक है ना, आसानी होती है, नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक, अब सुनो, अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये नीचे आएगा तो ये इधर क्यों जाएगा, तो कारण सीधा सा, कि जब ये नीचे आ रहा है ना, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ये, ठीक है ना, और एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, तो सेंट्रोमास जहां था वही रहना चाहिए, सेंट्रोमास जहां था पूरे सिस्टम का, सिस्टम मतलब ये सिलेंडर और ये ब्लॉक, इन दोनों का जो सेंट्रोमास जहां था वो वहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स के कारण थोड़ी कुछ हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो जो सेंटर में जहां था पूरे सिस्टम का वो तो वहीं रहना चाहिए, वो तो कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना। अब चूंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है
जब एक सिस्टम के एक पार्ट ने पोजीशन चेंज कर दी है ना, तो दूसरे पार्ट को भी अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी ड्यू टू टोटल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो जहां था वहीं रहना चाहता है। तो मैं ऐसे कहूँ कि पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो जहां था वो वहीं रहना चाहता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं और ये सिस्टम स्थिर था, स्टेशनरी था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्टेशनरी जीरो थी, देन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो फाइनली भी जीरो रहनी है। तो फाइनली जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहनी, समझ रहे मेरी बात को, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहनी है, पहले भी जीरो थी इसलिए फाइनली जीरो रहनी है, है ना? क्यों रहनी है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो वेलोसिटी पहले थी वो वेलोसिटी बाद में रहनी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बाद में भी जीरो है, मतलब स्टेशनरी है, वो जैसा था वैसा है, वहीं जहां है जहां था वहीं है। देन तथा ये भी हो रहा है यहाँ पे कि एक पार्ट सरक रहा है सिस्टम का, दूसरे पार्ट को भी अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मैं एक उसमें करा चुका हूँ तुमको वीडियो में, है ना, ये सब बातें समझा चुका हूँ। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी है, सेंटर ऑफ मास की आफ्टर वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मानोगे तो ज्यादा बड़े रहोगे नहीं तो फंस जाओ, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर एम की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एम की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन स्मॉल एम प्लस। अब कई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर जी इस ये जो एम है ना, ये वाला जो एम है, सर जी दो दो वेलोसिटी रखेगा अपने पास, बोले एक तो इसकी खुद की, एक तो इसकी खुद की और एक इसके कारण इसको मिलेगी, एक बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाएंगे, देखो एक ये ट्रक है, सुनो ध्यान से, एक ये ट्रक है, ट्रक जा रहा है साहब 20 मीटर पर सेकंड से, और एक आदमी इस पर इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो थोड़ा सुन, तुम खड़े हो जैसे यहाँ पे ग्राउंड पे सड़क पे खड़े हो, तो बताना मेरे को ध्यान से कि ये आदमी एक सेकंड में, ये बोलेगा, ये पूछ रहा है, ये देख रहा है, ये आदमी एक सेकंड में कितनी दूरी चलेगा और किधर चलेगा, बताओ जल्दी से। इसको जब दिखेगा, है ना, इसको जब दिखेगा, तुम तो चलो एक सेकंड छोड़ो, ये बताओ इसको ये आदमी किधर जाता दिखेगा, इधर जाता दिखेगा, बोले क्यों सर? देखो इसकी स्पीड 20 है, स्पीड खुद की जो है, खुद के कारण जो है वो 10 है, ट्रक के कारण इसको 20 इधर मिल रही है, देन 10 इसको इधर मिलेगी टोटल। ट्रक चाह रहा है कि तू भैया एक सेकंड में 10 चल इधर 10 मीटर, और ये खुद चाह रहा है मैं एक सेकंड में इधर, सॉरी ट्रक चाह रहा है कि एक सेकंड में 20 मीटर चल इधर, और ये खुद चाह रहा है कि मैं एक सेकंड में 10 मीटर चलूं, लेकिन इसको क्या देखेगा, इसको देखेगा नहीं यार एक सेकंड इधर 10 जाएगा। हाँ ऐसा होता कि ये होती 150, खुद 50 से दौड़ रहा है, ट्रक पे दौड़ रहा है अक्षय कुमार, ट्रक जा रहा धीरे धीरे, अब ये आदमी इसको इधर जाता दिखाई देगा और एक सेकंड में 30 मीटर, एक सेकंड में 30 मीटर, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये तो इसकी खुद की स्पीड है, खुद के जोर लगा के चल रहा है ऐसे, है ना, इसके कारण भी इसको 20 मिलेगी ऐसे, तो 30 हो जाएगी इसकी इधर, इसको इस आदमी को ये एक सेकंड में 30 मीटर इधर चलता दिखाई देगा, बोलो चलता दिखाई देगा ना, तो इसके सापेक्ष इसके रेस्पेक्ट में ये आदमी एक सेकंड में इधर 30 चल रहा है, इसका मतलब इसके सापेक्ष है ये इसकी स्पीड, फाइनल आ गई सब कुछ। तो ये जो मैंने मानी है इसकी स्पीड वेलोसिटी वी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब सब कुछ हो गया कि खुद के जोर लगा के भी इसकी स्पीड आ गई, खुद के कारण भी आ गई और इसके कारण सब कुछ इसमें समाए, ठीक है। तो ये वी क्या है, ये वी अकेले इसकी सरकने की नहीं है, इसके कारण भी जो इसके पास आई है वो है वी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझे मेरी बात। मैंने 10 भी लिया यहाँ पे,
मैंने 50 भी लिया, दोनों में समझा दिया, तुम फील कर लो, महसूस कर लो कि तुम ये इसकी बोलते हो 10, मतलब इसकी खुद खुद की होती है 10, ये तेजी चलता 20, ट्रक जा रहा 20 से, आदमी चल रहा 10 से, ट्रक इधर जाते दिखाई दे, सॉरी आदमी इधर जाते दिखाई देगा, ट्रक चल रहा 20 से, आदमी जा रहा 50 से, तो आदमी इधर जाते दिखाई देगा सड़क पर खड़े आदमी, बोलो हाँ या ना। तो ये जो 30 है ना यहाँ पे, ये फाइनली विद रेस्पेक्ट टू दिस, ओके ये बात मैं समझाना चाहता, थोड़ा सा गौर कर, ओके तो तुम्हें कोई इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना कि यार इसकी खुद की तो वी है ना, इसकी विद रेस्पेक्ट टू कारण वी है, ठीक है, इसकी खुद की है पर वो खुद के कारण वी है, इसके कारण और मिल गई इसको, तो वी माइनस वी डॉट 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 फलाना फलाना है ना इसको, मतलब ठीक है फाइनली इसकी वी, ओके ठीक है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, नेक्स्ट बात सुना, ये जो इक्वेशन लिखी कब लिखी, ये इक्वेशन तब लिखी है मैंने जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ चुका है और ये चल रहा है, ये भी चल रहा है और इसकी यहाँ पे है, तब चलते हुए यहाँ पे है, तब है वी, और ये इसकी वी है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस कंडीशन में तो जीरो, पहले भी जीरो थी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ फॉर होल सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ होल सिस्टम इज जीरो आफ्टर दैट इज जीरो, ठीक है ना। तो एम पी प्लस वेक्टर फॉर्म में चलने दो, फॉर्म एक तो छोड़ो ये, ठीक है, तो अपन को वी पता चल गया, वी आ गई माइनस एम बी अपॉन, वेक्टर हटा दो, अब देखो एंटी डायरेक्शन आ रहा है अपने आप, तुम्हें मानने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसलिए कह रहा था वेक्टर यदि काम में लेते हो देन तुम्हें कोई डायरेक्शन फाइनेक्शन एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। वेक्टर काम में नहीं लेते तुम ऑलरेडी माइनस लगाते क्योंकि एंटी डायरेक्शन बोलते पहले है ना, वो गलत होता, अच्छा नहीं होता, वेक्टर फॉर्म में लो, कोशिश करो वेक्टर फॉर्म में चले, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में लोगे तुम्हें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है वहाँ फिगर में, अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन यदि तुम वेक्टर फॉर्म नहीं लेते हो स्पीड ही लेते हो देन तुम्हें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, और डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस लगाओगे तो फिर यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा और उस समय ये नहीं होगा, ठीक है ना, ओके। अब तो मैं केवल मैग्नीट्यूड लिखूं तो एम बी अपॉन, अब बी मुझे नहीं पता, बी मुझे नहीं पता, तो वी की वैल्यू पुट करो, तो वी की वैल्यू पुट कैसे करूंगा, सुनो एक बात सोचो, ये यहां आया, ये इधर सर का, ओके, इसको किसी ने एनर्जी फेनर्जी तो कहीं से आई होगी है ना, तो एनर्जी कहां से आई वो सुन, कि जब ये भाई साहब यहां सर के, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हुई है, 100% कम हुई भाई, पहले पोटेंशियल कुछ थी अब कुछ है, तो ये वाली कम है ये वाली ज्यादा है, तो ये तो कम हुई है, ठीक है ना, ओके। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली गई, किसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी या दोनों की, दोनों, ठीक है, समझे मेरी बात है ना। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो कमी आई है पोटेंशियल एनर्जी, वो चली गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ऐसे में बोल सकता हूं तुम्हें तो समझाने के लिए, बाकी एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो कि जब ये यहां है तब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और जब ये यहां है तब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, दोनों बराबर कर लो, ऐसे कर लो है ना। देखो मैं बताता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें बच्चों की तरह, ए बी पोजीशन, तो ए पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ए पोजीशन पर पोटेंशियल कितनी है इसकी, विद रेस्पेक्ट टू दैट लेवल, पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखते हैं किसी लेवल के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू दैट लेवल इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये हाइट कितनी है, देखो ये हाइट है यहाँ पे आर माइनस आर है ना, क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो कैपिटल आर है और स्मॉल आर इसमें चला गया ये है ना, तो आर माइनस कैपिटल, तो हाइट है इसकी आर माइनस कैपिटल आर, एम जी आर माइनस कैपिटल आर इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ बॉडी इज जीरो, देन आफ्टर मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो विद रेस्पेक्ट टू दैट लेवल, क्योंकि इस जगह पे इस लेवल से कोई हाइट नहीं है, ये जीरो प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, देन सॉल्व इट, खत्म करो,
है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो मैं क्या कह रहा था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम हुई है ये कहाँ चली गई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया मैंने, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया, देन मैंने सॉल्व किया। अब वी की मुझे क्या चाहिए अपन को, कैपिटल वी, तो स्मॉल वी की वैल्यू यहाँ पटक दो ज्यादा आसान रहेगा। तो एम जी आर माइनस आर बराबर हाफ ऑफ एम, सॉरी वी निकालना, तो वी आ जाएगा कैपिटल एम, एक मिनट जल्दबाजी बेकार है, एम बी अपॉन एम का स्क्वायर प्लस हाफ, सॉल्व कर लो आ जाएगा, वी का मान निकालना है यहां से वैल्यू, ठीक है ओके। तो यहाँ पे जो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो गहराई से सोचो कि सवाल क्वेश्चन कराना या करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मैंने करा दिया तुमने कर लिया, तुम अब बड़े हो गए यार, बच्चे थोड़ी हो कि मैं जो कराऊंगा वही करो, नहीं क्वेश्चन करके खुश मत हो कि मैंने कर दिया आंसर आ गया, ओ माय, आंसर से मतलब नहीं, आंसर गलत आ जाए कोई दिक्कत, गलत आ जाए ज्यादा बढ़िया रहता, मैं देखा था गलत आया आंसर एक बार, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं चाहता हूँ आंसर गलत है, जैसे सोचो तो सही यार गलत क्यों आ रहा है, पर सही आ जाता सोच ही नहीं पाते हम यार सही क्यों आ गया, मैंने करा दिया सही आ गया आंसर ठीक है और मजे आ गए, कहो क्या कर, नहीं नहीं उसको सोचो बाद में सोचा करो, है ना, केवल नोट्स मत बनाओ, इनको सोचा करो कि यहाँ पे एक एक बात को जब बोल रहे हैं सर जी तो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, नहीं आती समझ में पूछो उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेंटर ऑफ मास की में, ओके।